प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलने वाली संपूर्ण जानकारी भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ वेद है, जिसके संग्रहणकर्ता महर्षि कृष्ण देवोपायन वेदव्यास जी को माना जाता है। वेदव्यास जी वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों के नित्य व उपरुष मानती है। वेद चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। इन चार वेदों का सिद्धांत कहा जाता है। ऋग्वेद भारतीय इतिहास व सनातन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद में त्रिचाओं के क्रम बंद ज्ञान के संग्रह का ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूतक है, 11 सूतक सहित एवं 10462 त्रिचाएं हैं। इस वेद की त्रिचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देव सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल को हस्तलिखित त्रिचाओं को खील कहा जाता है। चतुर्वेय समाज की कल्पना आदि स्त्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूतक है, जिसके अनुसार चार वर्ण है।